हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर के 31 ईयर वाले प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले इसमें कई लेक्चर होगा क्योंकि वर्क एनर्जी पावर से काफ़ी क्वेश्चन आता है। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर जो है तो आप देखने से आपको लग रहा होगा छोटा चैप्टर, पर इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, और बड़ी बात यह है कि वर्क एनर्जी पावर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ओवरऑल पूरे फिजिक्स में यूज होते हैं। एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, वर्क एनर्जी थियरम होता है, कोलिजन होता है, ये सारी जो है वो फिजिक्स का बेस है। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करो, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है बट इसमें इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये 2020 में आया था। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम इजी क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब अगर आपके पास मास है कोई, ठीक है, जो भी अगर आपके पास मास है जो 0.5 ग्राम है, ठीक है, 0.5 ग्राम मास है, तो इस मास का एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना, मतलब ये जो मास है वो कितने एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी यार। ठीक है, आप सबको पता है कि आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है E=mc², वो बताएगा कि मास एनर्जी और मास जो है वो कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट के इक्वल है। ठीक है, तो अभी जो मास है वो कितना है, 0.5 ग्राम है। ठीक है, और 10^-3 kg। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10^8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 9 और ये 45, मतलब 4.5 × 10^16। ठीक है, 4.5 × 10^16 और 3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4.5 × 10^30 जूल। इतने एनर्जी के इक्विवेलेंट है, इतने एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, चलो आसान था। ये कहता है ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या है कि एक मास है अटैच टू द थीन वायर एंड वर्ल्ड इन द वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन किए होंगे तो आप बस आपके लिए एक या दो सेकेंड का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़े हो, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता था कि एक वायर या थ्रेड होती थी जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ एल थी। ठीक है, और यहाँ पर एक बॉब था। ठीक है, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता था इस टाइप से। यहाँ एक मिनिमम वेलोसिटी दी जाती थी जिसे जस्ट कंप्लीट टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वायर कहाँ से ब्रेक होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ठीक है, आपको पता है वायर वहीं से ब्रेक होगा जहाँ टेंशन मैक्सिमम होता है, और टेंशन मैक्सिमम कहाँ होता है, मिड पॉइंट पे होता है। तो मिड पॉइंट पे अगर टेंशन मैक्सिमम जो होता है वो लोएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पर होता है लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब मान लो यहाँ बॉब का भी यहाँ आ गया जो कि थीटा डिग्री पे है, तो यहाँ पर इस दोनों पोजिशन में टेंशन का डिफरेंस है। यहाँ पर इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, तो टेंशन T2 इज लेस देन T1। ठीक है, सबसे ज्यादा जो टेंशन होता है वो इस पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो द वायर इज हॉरिजॉन्टल, द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, हाईएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो क्या करेंगे, वो तुरंत उसको लगा देंगे। अगर नहीं तो फिर अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा यार। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। इसमें टेंशन T2 हो गया, यहाँ पे फोर्सेस mg लग गया। ठीक है, मान लिया, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो mg के दो कॉम्पोनेंट कर दिए। एक आ गया इधर जिसको मैं बोलता हूँ mg cos θ, और एक आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर जो कि होगा mg sin θ, जो इसको वापस लाएगा। ठीक है, वो mg sin θ होगा, और ये mg cos θ सेंट्रिपिटल और टेंशन मिलके सेंट्रिपिटल फोर्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि सर्कल में चल रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर सेंट्रिपिटल का इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या बताया हूं आपको सेंट्रिपिटल का कॉन्सेप्ट, नेट रियल फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो आ जाएगा इस पॉइंट पर, सेंट्रिपिटल फोर्स वो आ जाएगा इस पॉइंट की वेलोसिटी mb² / r। ठीक है, mb² / r सेंट्रिपिटल फोर्स mb² / r = T -
टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ठीक है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, मतलब टेंशन टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा एम बी स्क्वायर ओवर आर और प्लस एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टेंशन। आप देख रहे हो कि हर पॉइंट पे जो है वो थीटा वेरिएबल है, हर पॉइंट पे थीटा वेरिएबल है और साथ साथ हर पॉइंट पे वेलोसिटी भी वेरिएबल है, ठीक है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी भी वेरिएबल है। तो यहाँ से अगर यहाँ जाएगी तो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ तो वेलोसिटी कम होगा, सबसे कम वेलोसिटी यहाँ होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी तो कम हो गया और थीटा जैसे ही थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो कॉस ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, तो टेंशन तो अपने आप कम हो गया ना, यहाँ और यहाँ किसी कंपेयर करोगे। अब टेंशन मैक्सिमम होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जीरो होगा, वो एक ही पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है, टेंशन यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पर वेलोसिटी भी मैक्सिमम ही होती है क्योंकि इधर जाओगे तो एनर्जी कंजर्वेशन से तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और इस पॉइंट पे जो है वो मिनिमम वेलोसिटी आती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कंडीशन के लिए, आपको याद होगा जी आर अंडर होती है, जी आर अंडर रूट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट से, ठीक है, और अगर आप थियरी पढ़े हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। चलो, ये कहता है ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एंगल 60 डिग्री हॉरिजेंटल। चलो, एक हॉरिजेंटल स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है उसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन है, चलो ये एक स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन है, एंगल 60 डिग्री है। अब यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा, शूट करूँ यहाँ से, ये 60 डिग्री है और इसी इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे फेंकूंगा, ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को मैंने इसी इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे फेंक दिया, पहले हम हॉरिजॉन्टल पर अक्सर फेंका करते थे। तो ये जैसे ही मैं इसको फेंक दूंगा यहाँ से, ये कहीं पे जाके रुक जाएगा भाई, यहाँ पे जाके मान लो रुक गया, जिससे फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई यार, जीरो आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अब कहता है कि ये जो डिस्टेंस है वो एक्स वन चलने के बाद ये स्टॉप हो गया, दिस डिस्टेंस इज एक्स वन, आफ्टर ट्रेवलिंग एक्स वन इट स्टॉप and when the inclination decreases smooth surface at 30 degree the same object shot with same velocity it travel distance x2। अगर मैं अब इसी कंडीशन को बदलता हूँ, सरफेस सेम है, देखना, ध्यान देना, सरफेस सेम है, एंगल कम कर दिया गया, ठीक है, और वेलोसिटी तो वही है, यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका गया था, यहाँ भी u वेलोसिटी से, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बदल गया यार, डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो गया और वो x2 डिस्टेंस पे जाके रुकता है उसी सरफेस पे, और ये जो एंगल है वो मैंने 30 डिग्री कर दिया, समझना, 30 डिग्री कर दिया, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो प्रॉब्लम क्या है, सवाल क्या है कि मुझे x1 और x2 की रेशियो निकालनी है, स्मूथ सरफेस है, सेम इनिशियल वेलोसिटी है बट एंगल डिफरेंट है, ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस की रेशियो निकालनी है, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला जाए, बोलो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया जाए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो हो गया और माइनस इनिशियल वेलोसिटी और ये रिटार्ड हो रहा है तो माइनस टू एक्सलेशन ए और डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है, और एक्सलेशन जो होता है, एक्सलेशन इन दोनों प्लेस पे, अब इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो माइनस सेम है तो टू, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक्सलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस, और इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सलेशन होता है वो क्या होता है, बोलो, जी साइन थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सलेशन होता है, एक्सलेशन इज इक्वल टू, वो होता है जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू ए साइन थीटा टू अपॉन साइन थीटा वन, ये बनेगा हम लोगों को, साइन थीटा वन अपन साइन थीटा टू। देखो, इसको मैं टू मान लेता हूँ, 30 डिग्री साइन 30, ठीक है, और डिवाइडेड बाई साइन 60। तो साइन 30 और साइन 60 का रेशियो लोगे तो कितना बनेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये साइन 60 √3/2, तो 2 ने 2 को मतलब ये आ जाएगा 1 रेशियो
रूट थ्री। तो ये हम लोग का फाइनल सोल्यूशन है, 1:√3 इज द 1:√3, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है ना, द सेकेंड वन इज द करेक्ट, है ना, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, ये देखो वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, सेल्फ ट्राई करो, और नहीं होता है तो फिर ये मेरा सोल्यूशन देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। एक फोर्स है और एक्टा ने पार्टिकल इन वाई एक्सिस, जो फोर्स है वो वाई एक्सिस में लग रहा है, ठीक है, और जो फोर्स है वो वाई का फंक्शन है, मतलब एक वेरिएबल फोर्स है, क्या है, वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल 0 to 1 वाई इज इक्वल टू 0 से 1 मीटर तक डिस्प्लेस करने में वर्क डन कितना होगा। अब अगर जो लोग डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लेंगे उनका सवाल ही गलत हो जाएगा। अरे भाई, जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं लेते, इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। वर्क डन का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वर्क एनर्जी पावर में जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे, तो हमने दो टाइप से वर्क निकाले थे। एक हमने वर्क निकाला था कांस्टेंट फोर्स का, और एक हम निकाले थे वेरिएबल फोर्स का। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल f.dx, दिस इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स f.dx। इसका मतलब ये हुआ कि f.dx, तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना, बोलो, 20 प्लस 10y, और ये dy आ जाएगा, ठीक है ना, dy, और y की लिमिट जाएगी 0 to 1। दिस इज द वर्क डन, ये वेरिएबल फोर्स का वर्क डन होता है, ठीक है। ये लिमिट लगा के x1 से x2 तक इंटीग्रेट करते थे। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट डॉट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमें फाइनल सोल्यूशन देगा, ठीक है। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 20 और इधर y, और प्लस 10y² / 2, और इसमें लिमिट डाल दिया जाए 0 से 1। इधर 0 डालूंगा तो सब 0 हो जाएगा, और इधर 20 + 10/2, और ये आ जाएगा 1 का square 1, मतलब 5, दैट इज 25 जूल जो है वो आंसर सही है, ठीक है। 25 जूल इसका सही है कोई, हाँ, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो चलो, ये जो है 25 जूल इज द करेक्ट सोल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये कहता है कि एक बॉडी है मास 4, एक कोलिजन का क्वेश्चन है। देखो, कोलिजन का क्वेश्चन है, बॉडी है मास 4 एम मूविंग विथ स्पीड यू, कोलाइड अनदर बॉडी है मास 2m, एक 4m की बॉडी है 2m से कोलिजन करती है, जो कि 2m पहले से रेस्ट में है यार। अब कहता है कोलिजन हेड ऑन इलास्टिक है, ठीक है, ये पहले बता दिया कि इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस बाय द कोलाइडिंग बॉडी, कोलिजन के बाद हमको पता है कि इलास्टिक कोलिजन में जो पहली बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी, अगर दो बॉडी कोलिजन करती है और कोलिजन इलास्टिकली होता है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। अब ये 4m की है और ये 2m की है, जो कि पहले से रेस्ट में है, ठीक है। आपको पता है कि कोलिजन से काइनेटिक, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है टोटल, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद, पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, पार्टिकल की वेलोसिटी बदल जाती है यार, ठीक है। तो यहाँ से ये आ रहा था, कितनी वेलोसिटी से आ रहा था, ये बॉडी ऑफ मास स्पीड यू से आ रहा था, ठीक है, स्पीड यू से आ रहा था, और वो पहले से ही रेस्ट में था, और कोलिजन हेड ऑन है, और फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग ए, जो ए नाम का बॉडी है ए, और बी से अगर कोलिजन करता है तो ए अपनी वेलोसिटी कम कर देता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी ए की कम हो जाती है, तो कितना फ्रैक्शन कम हुआ, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, कैसे निकाला जाए, तो फ्रैक्शन मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाय एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी जिसका हमें निकालना है। तो पहले वाली की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पहले वाली की चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हमारा टारगेट है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो निकालना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी, ठीक है, इट्स वेरी इजी टू फाइंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो आ जाएगी 1/2 mu² और 1/2 mu² मतलब 1/2 m इसका 4m और u का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 2, इसका मतलब ये आ जाएगा 2 mu², दैट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की, इसका मतलब ये हुआ। अब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, इलास्टिक कोलिजन में आपको फार्मूला याद होना चाहिए,
कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं याद है फिर मोमेंटम कंजर्व कराओ, ठीक है। इसका आप मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो मोमेंटम कंजर्व कराने के बाद एक और अलग से वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, ये कितने से जा रहा है, ठीक है। या नहीं तो आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट लगा दो, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ द फर्स्ट बॉडी एम ओ वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम ओ वन प्लस एम टू फार्मूला और मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल वेलोसिटी यू वन प्लस टू टाइम्स एम टू यू टू और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मासेस एम वन प्लस एम टू, ठीक है। ये फार्मूला आपको थियरी में पढ़ाया जाता है और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी वाली बॉडी रेस्ट में थी तो ये पूरा फ्रैक्शन जीरो चला गया, तो फाइनल वेलोसिटी पहले कोलिजन के बाद जो ए नाम की बॉडी है उसकी कितनी वेलोसिटी आएगी तभी तो मैं उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल पाऊंगा भाई। तो इसका मतलब पहले बॉडी की मास 4m थी और माइनस 2m, दूसरे बॉडी का मास कितना था 2m डिवाइडेड बाई 6m, ठीक है, और मल्टीप्लाइड कर दूं इनिशियल वेलोसिटी u से और ये जीरो चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, ठीक है, 2 और m ने m को खत्म कर दिया, मतलब ये आ जाएगा u बाई 3। तो u बाई 3 जो है वो पहले वाली की वेलोसिटी हो गई कोलिजन के बाद, देख रहे हो कम हो गई, पहले कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी यू थी, कोलिजन के बाद अपनी वेलोसिटी लूज कर दिया, किसको दे दिया इसको, ठीक है। चलो तो अब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होती है, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इसका मास एम फोर एम और इसकी वेलोसिटी यू स्क्वायर अपन 9, तो ये इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 2mu square upon 9, this is the final kinetic energy। अब change निकालना है तो final में से initial घटा दो, delta kinetic energy change कितना आया, तो delta kinetic energy change आया 2mu square upon 9 और minus ये आ जाएगा 2mu square, ठीक है। तो 2mu square जो है finally ये जो change आ जाएगा final में से इसकी initial घटा दो 18 और ये आ जाएगा 16, ठीक है ना, माइनस 16 एम यू स्क्वायर अपन 9। माइनस बता रहा है कि ऑब्वियसली जो है जो काइनेटिक एनर्जी है पहले की डिक्रीज हुई है इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक है। चलो तो अब इसमें इनिशियल से डिवाइड कर दें और रेशियो आ जाएगा। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल जितनी थी इसकी तो ये आ जाएगा 16, ठीक है, 16 एम यू स्क्वायर अपॉन 9, माइनस साइन को इग्नोर कर दो, इनिशियल कितना था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी थी 2mu स्क्वायर, तो mu स्क्वायर ने mu स्क्वायर को ख़त्म कर दिया और ये आ जाएगा 16 अपॉन 18, मतलब ये आ जाएगा 8/9। दिस इज द फ्रैक्शन दैट पहली जो बॉडी है इतनी फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी लूज करेगी या लॉस करेगी, परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। कभी कभी परसेंटेज पूछ देता है कितना परसेंट लॉस हुआ, मतलब 8/9, मतलब ये हम लोगों का जो है ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर परसेंटेज निकालना इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक और तरीका इतना सारा करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट, अगर थियरी आपको डिटेल में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, आपको अगर थ्योरी डिटेल में पढ़े होगे तो इसको आप डायरेक्ट एक लाइन में कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। डायरेक्ट आपको पता है कि थ्योरी के कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट इस टाइप के केस में जो काइनेटिक एनर्जी की लॉस होती है वो 4 times एम वन एम टू एंड डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर। दिस इज द लॉस ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन सच टाइप ऑफ केस, इलास्टिक कोलिजन जहाँ पहली बॉडी रेस्ट में हो और दूसरी बॉडी, पहली बॉडी रेस्ट में हो और दूसरी बॉडी जो है वो कोलिजन करती है, ठीक है, पहली बॉडी रेस्ट में हो और ठीक है एक बॉडी रेस्ट में हो और दूसरी उससे कोलिजन करती है तो कितने फ्रैक्शन या परसेंटेज हम डायरेक्ट इससे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज आ जाता है। अभी हमें परसेंटेज नहीं चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई पहले वाले की मास कितनी थी 4m, दूसरे वाले की मास कितनी थी 2m डिवाइडेड बाई 636 का m का स्क्वायर। तो m स्क्वायर ने m स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, ठीक है, और यह आ जाएगा 18, ठीक है, और ये आ जाएगा 16/18, मतलब 8/9, ठीक है। तो ये इसीलिए कहते हैं मेडिकल वाले कि कुछ अच्छे रिजल्ट जो होते हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, उनको याद कर लोगे तो तुम्हें
टाइम सेव होएगा, टाइम बचेगा, ठीक ना। और टाइम बचाना ही हमारा गेम है, एग्जाम है। एग्जाम इज डिजाइन टू टेस्ट योर पेशेंस, इंटेलेक्चुअल लेवल, पेशेंस में कितना परफॉर्म कर पाते हो। यही नीट की या जो भी कॉम्पिटिशन है बेस यही होता है, ठीक है। चलो इनिशियली देखो, ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली ऐसा क्वेश्चन थ्योरेटिकल में जब फुल कोर्स कराया जाता है तो ये तो हमेशा कराया जाता है। जब ये आया था तो हमारे बच्चे ने इसको ऐसे ही कर लिए, तो उनको तो आंसर ही याद था, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेमस है थियोरी में, ठीक है। चलो तो थियोरी में बहुत फेमस है, इसको कैसे करते हैं एक बार हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये प्लेन आके यहाँ सर्कल में मुड़ गया है, ठीक है, ये इस टाइप का प्लेन है और यहाँ आके ये सर्कल में बेंड हो गया है, तो यहाँ से एक बॉल चलता है जिसकी हाइट ग्राउंड से h है। अब ये अगर बॉल चलता है तो आपको पता है यहाँ जो सर्कल बना है, बॉल यहाँ भी कभी आएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ कभी आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है, और यहाँ अब यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये जो सर्कल है ग्राउंड से, ये यहाँ पे, यहाँ यहाँ जो ग्राउंड है, आपको पता होगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी यहाँ कितनी दी जाती है। मिनिमम वेलोसिटी आप थ्योरी पढ़े हो ना, अगर एक थ्रेड है तो इसको यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी देते हैं जिससे जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक बार तो हो ही जाए यार, ठीक है। यहाँ से एक खास वेलोसिटी, एक कम से कम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी दे दें जिससे ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए, वो मिनिमम वेलोसिटी आपको याद होना चाहिए। दैट वेलोसिटी इज 5RZ अंडर रूट, R इज द रेडियस ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर इस बॉल को यहाँ पर एक बार वर्टिकल सर्कुलर मोशन होना है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी कहाँ से आएगी, h हाइट की वजह से। जो h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी है वही पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होने के बाद वो वेलोसिटी इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए एक स्पेशल वेलोसिटी बन जाएगी। और वही कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अरे भाई, ज़्यादा दे दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इससे कम दोगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाता है, और इतना दोगे तो एक बार तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलो तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन AD जिसका डायमीटर AB, जिसका डायमीटर D दिया हुआ, क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ, तो हाइट h की वैल्यू निकालना है। तो एनर्जी कंजर्व करा दो और यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लो। जब ये बॉल यहाँ आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, जब ये बॉल यहाँ आएगा तो इसके पास एनर्जी कंजर्व करा दो। पोटेंशियल एनर्जी MgH मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ठीक है, और m ने m को, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 2gh अंडर रूट आ जाएगी, ठीक है। ये वेलोसिटी कहाँ से मिली बोलो, ये वेलोसिटी h से मिली। h को कम या ज़्यादा करने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर h इससे कम कर दोगे तो हो सकता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो ही नहीं, वेलोसिटी कम मिल जाए। h बहुत ज़्यादा कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बड़े आराम से होगा, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी है मिनिमम वेलोसिटी के कंडीशन के इक्वल तो होना ही चाहिए, मतलब 5RZ के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये आ जाएगा 5RZ अंडर रूट, ठीक है, रूट ने रूट को स्क्वायर कर दिया, ख़त्म हो गया, और जी ने जी को, इसका मतलब ये हुआ एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/2 r, ठीक है। तो 5/2 r एक रेडियस है, हमें डायमीटर के टर्म में निकालना है, तो रेडी तो ये आ जाएगा 5/4 D, ठीक है ना, 5/4, मतलब ये डी ऑप्शन सही है ना, क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो, कहता है ए मूविंग ब्लॉक है हैविंग मास m कोलाइड विथ स्टेशनरी ब्लॉक, कोलिजन का प्रॉब्लम है हैविंग मास 4m, द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन एंड व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, देन वेलोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो जब मैं कोलिजन पढ़ाया था, या जैसे मैं डेप्थ में, बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको बताया था कोलिजन के सभी प्रॉब्लम अगर आपको 3 लॉ अच्छे से आता है और कुछ रिजल्ट याद है, बेसिक जो भी प्रॉब्लम है बेसिक है, वो 3 लॉ से बने हैं। पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, दूसरा मोमेंटम कंजर्व कराने आना चाहिए, और तीसरा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ जो है मतलब
मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, और तीसरा जो है काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन भी किसी किसी में लगता है, बट ओवरऑल जो बेसिक है वो दो है, ठीक है। आपको मोमेंटम कंजर्व कराने आना चाहिए और साथ साथ कोफिशियंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला आना चाहिए। अगर इतनी सी बात आती है तो आपके कोलिजन के बहुत सारे प्रॉब्लम कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट याद हैं तो आपको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग कि अगर एक ब्लॉक है, ठीक है, एक मूविंग ब्लॉक ऑफ मास एम, एक ब्लॉक है जिसका पास मास एम है और ये मूव कर रहा है, मान लो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, हमको नहीं पता है, ठीक है। ए मूविंग ब्लॉक मास एम कोलाइड विथ ए स्टेशनरी ब्लॉक फोर एम, यहाँ पर एक स्टेशनरी ब्लॉक है जिसका मास एम है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इन दोनों में हो गया कोलिजन, ठीक है। एंड लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट, लाइटर कौन सा था, एम वाला, जो कोलिजन किया ये वो तो रेस्ट में आ गया, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज वी, देखो यहाँ पर वी दिया हुआ है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी, देन द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं, तो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला क्या होता है, तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वी टू माइनस वी वन, ठीक है, और यह आ जाएगा यू वन माइनस यू टू, दिस इज द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वी टू वी वन क्या है, वी टू जो है कोलिजन के बाद दूसरे वाले की इसकी इसकी वेलोसिटी है, वी वन क्या है कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी, यू वन यू टू क्या है कोलिजन से पहले इन दोनों की वेलोसिटी। तो मान लो कोलिजन के बाद जो है, जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद ये जो इनका नाम दे दो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, कोलिजन के बाद जो फर्स्ट वाली वेलोसिटी है वी वन वो तो आ गया जीरो, तो कोलिजन के बाद जो वी टू है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमें नहीं पता, उसको निकाल लेते हैं। आपको पता अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन में कोलिजन कर रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, ठीक है, अदरवाइज मोमेंटम कंजर्वेशन गलत हो जाएगा यार, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मोमेंटम कंजर्व करा दो, इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस में कितना था इसका एम बी, और इसका हो गया जीरो, ठीक है, इसका मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम इसका हो गया जीरो, और इसकी वेलोसिटी हमें पता ही नहीं है वी टू, और इसका मास जो है, इसका मास जो है वो फोर एम, इसका मतलब ये हुआ एम ने एम को, इसका मतलब वी टू जो है वी टू इज इक्वल टू वी बाई फोर से जा रहा है, सीधी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, इधर उधर नहीं जा सकता किसी एंगल पे, ठीक है। तो ये अब ये सारी वैल्यू लाके यहाँ मैं रखूँगा तो मुझे E की वैल्यू पता चल जाएगी, तो ये वैल्यू लाके रखो यहाँ, V2 क्या है, V2 अभी आप निकाले V बाई फोर, ठीक है, माइनस V1 क्या है, V1 कोलिजन के बाद पहले जीरो आ गया, E1 क्या है पहले वाली जिसने कोलिजन किया था अभी, माइनस V2 क्या है माइनस जीरो, ठीक है, तो ये आ जाएगा कुल मिला के माइनस ये वन बाई फोर, ठीक है, तो वन बाई फोर मतलब जीरो टू पॉइंट फाइव, ठीक है, एक प्योर नंबर है, ठीक है, ई क्या है एक प्योर नंबर है, यूनिटलेस डायमेंशनल लेस एक प्योर नंबर है, ठीक है, 0.25 मतलब बी ऑप्शन इसका सही है।